स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देते हैं बोरूटो वगैरह की ट्रिप पूरी हो जाती है, तो मिस की बोरूटो मेटली वगैरह सारे जने बाइक करने लगते हैं सबको, फॉर्मर मिजुका के वगैरह को। तभी हम लोग देते हैं शिनो सेंसे चोजो को बोलता है, चोजो तो इतना टाइम क्यों लगा दिया तूने? तो चोजो जो होती है वो बोलती है सर मैं बहुत सारी मिठाई वगैरह लेके आ रही थी तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ, इसलिए टाइम लग गया। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं बोरूटो जो होता है कागुरा का वेट कर रहा होता है कि शायद कागुरा उसको बाय ऑफ करने के लिए आएगा। तो शिकारा ही बोलता है मुझे नहीं लगता वो आएगा क्योंकि उसने इतना बुरा काम किया है। तो शारदा बोलती है वो आएगा तो मुझे लगता है कि बोरूटो उसके फेस पे पंच मारेगा सीधे। तो बोरूटो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पंच क्यों मारूंगा, मैं तो उसको थैंक्स बोलूंगा कि उसकी वजह से हमारी ट्रिप इतनी बढ़िया गई। तो शारदा बोलती है क्या बात कर रहा है तू, उसकी वजह से हम लोग कल लगभग मारे गए थे और तो उसको थैंक्स बोलना चाहता। तो उसके बाद हम लोग इतने कागुरा जो होता है वो दूर से उन सबको देख रहा होता है उनकी शिप को जाते हुए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता बोरूटो से मिलने के लिए। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हिमावारी और हिनाटा जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं बोरूटो के आने का। जैसे ही बोरूटो घर पे आता है वैसे हिमावारी उसके आसपास घूमने लग जाती है, हेलो बिग ब्रदर कैसे रही आपकी ट्रिप, ये सब पूछने लग जाती है। तो बोरूटो उसको अपनी लॉन्ड्री का बैग पकड़ा देता है। तो हिमावारी पूछते हैं भैया ये सब मेरे लिए? तो बोरूटो बोलता है अरे नहीं नहीं ये तो मेरी लॉन्ड्री है, मैं सोने जा रहा हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो मेरे को रात तक तो कोई उठाना मत। तो शाम को वो खाना खाने के लिए आता है तो वो अपनी किस्से सुनाता है अपनी मॉम को सारे कि क्या हुआ क्या कौन कागुरा नाम का कोई बच्चा था जो इनके साथ खेला है सब कुछ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हिमावारी जो होती है बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई थी, चुपचाप अपना डिनर कर रही होती है। और अगले दिन जब बोरूटो जब अकेडमी में जाता है तो वो कागुरा की बातें कर रहा होता है। तो शिकारा ही बोलता है जैसा कि उसने काम किया तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो लोग ही वो वार्निंग देके छोड़ेंगे। तो बोरूटो बोलता है तुम्हें क्या मतलब, शायद क्या कागुरा को अरेस्ट कर लिया उन लोगों ने? तभी शिनो सेंसे आता है, युवा भी शारदा और बोरूटो को बुला लेता है, कहता है तुम लोगों को प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है। तो बोरूटो बोलता है तुम्हें नहीं लगता, हमें नहीं लगता कि उन लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग किसी मुसीबत में फंसे थे। तो बोरूटो बोलता है तुम लोग चुप रहना, सारे काम मुझे करने देना, सब मैं बोल दूंगा, तुम लोग चुप रहना। तो बोरूटो जाते ही खाने बनाने लग जाते, कहते बहुत जोर से तूफान आ गया था मैं फंस गया था, फिर हम लोगों को बचाने के लिए मिस शारदा और मिस्टर युवा भी आए जिन लोगों ने मुझे बचा दिया, मैं तो बहुत बुरी तरह रो रहा था मैं लगभग मरने ही वाला था, मुझे इन लोगों ने बचा लिया, मैं तो मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मेरी जान बच गई है। तो इरुका सेंसे बोलता है अच्छा तो मतलब तुम लोग किसी भी मुसीबत में नहीं फंसे थे, तुम लोगों को इन दोनों ने बचा लिया और तुम मरते मरते बच गया, तो मतलब तुम किसी शिनोबी के साथ इन्वॉल्व नहीं हुए थे हिडन मिस्ट के। तो बोरूटो बोलता है नहीं नहीं मैं तो प्राउड स्टूडेंट हूँ हिडन लीफ का और मैं इसमें प्राउड करता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? तो शिनो सेंस तो यहाँ पे इरुका सेंसे बोलता है अच्छा तो फिर ये हमारे पास एक लेटर आया है जो लॉर्ड चोजुरो की तरफ से कि बोरूटो और उनके साथियों ने जो भी मिस बिहेव किया है उसके लिए हम लोग माफ़ी मांगते हैं और प्लीज़ उन्हें कोई भी पनिशमेंट ना दी जाए क्योंकि उन्होंने हमारे भले के लिए सब कुछ किया है। तो बोरूटो वगैरह चौक जाते हैं, कहते लॉर्ड चोजुरो को इतना भी ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए था। फिर हम लोग कहते बोरूटो वगैरह को पनिशमेंट मिल जाती है पूरी जो फुट एरिया होता है उसको पेंट करने के लिए, और शिकारे वगैरह हंसने लग जाते हैं। तो शारदा बोलते हैं तुम चुपचाप अगर सीधा सीधा माफ़ी मांग लेते और मान लेते ना अपना झूठ तो हम लोगों को इतना बेवकूफ़ी नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुगेसु जो होता है वो यहाँ पे ओरोचिमारू को बताता है कि वो सारा जो काम किया था वो शिज़ुमा ने किया था, हम लोगों को उनको यूज़ ही नहीं करना चाहिए था, मैंने तो पहले ही बोला था। तो यहाँ पे ओरोचिमारू उससे पूछता है कि लेकिन अब उन लोगों का क्या हुआ? तो सुगेसु से बताता है कि अब उन लोगों को शायद डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उन लोगों के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। लॉर्ड चोजुरो जो बहुत ज़्यादा दिमागदार इंसान है उसने सारा जो है साइलेंस में रखा है कि किसी को पता ना चले कि उनके खिलाफ देशद्रोह किया गया था शायद। तो ओरोचिमारू बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए किया है? तो यहाँ पे सुगेसु बोलता है नहीं मुझे लगता है कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो पुराने ब्लडी मिस्ट विलेज वाले दिन वापस ना आए और लोगों के अंदर डिस्ट्रस्ट ना फैले, और मुझे नहीं लगता कि शिज़ुमा को ये बोरूटो के बारे में कुछ ही पता था और वो बोरूटो की वजह से हार गया। तो ओरोचिमारू बोलता है कि उसको भी अपने बाप की तरह आदत है हर पगने में अपनी नाक घुसाने की, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके पास वो स्क्रोल कहाँ से आया जिसके अंदर सारे सबूत थे। तो यहाँ पे ये सुगेसु नहीं दिया था उसको स्क्रोल, तो सुगेसु यहाँ पे बात टालने लग जाता है, बोलता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं समझ आ रही सब तो बहुत अजीब बात है। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कागुरा जो होता है प्रैक्टिस कर रहा होता है पानी के ऊपर कागज़ के दो टुकड़े करने की। तभी यहाँ पे लॉर्ड चोजुरो आता है और बोलता है कि तुम जब तक अपने आप पे डाउट करोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपने आप पे विश्वास करना पड़ेगा। तो कागुरा बोलता है कि मैंने सब कुछ गलत कर दिया, मेरी वजह से बोरूटो भी मुश्किल में फंस गया, वो मुझे मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो लॉर्ड चोजुरो बोलता है अगर तुम लोग ऑनेस्ट रहोगे और बोरूटो को तुम सच सच बोलोगे तो शायद बोरूटो तुम्हें माफ़ कर दे। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं बोरूटो जब घर पे आता है तो हिमावारी उसके आसपास घूमने लग जाती है। तो बोरूटो को थोड़ा बहुत अजीब लगता है कि हिमावारी मेरे आस पास क्यों घूम रही है बार बार कल से जब से मैं हूँ। तो अपनी मम से बोलता है कि मम आपको क्या लगता है कि हिमावारी को कुछ हुआ है कि वो मेरे आसपास क्यों घूम रही है जब से? तो हिनाटा बोलती है मैं सोच रही थी कि शायद तुम्हें खुद ही पता चल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम पता चल जाएगा क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डंब हो। तो याद है ना तुमने हिमावारी को बोला था कि मैं तुम्हें सोवेनियर ला के दूंगा और वो तुम्हारा वेट कर रही है जब से? तो ये याद आती बोरूटो जो होता है वो बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है, बोलता है कि मैं तो बिल्कुल ही भूल गया उसके लिए सोवेनियर लाना। तो बोरूटो हिमावारी को बताने आता है कि वो भूल चुका है, लेकिन वो हिमावारी की शक्ल देख के उसको बता नहीं पाता और बोलता है कि तुमने हिडन मिस्ट विलेज की वो वाटर सिनेमन स्वीट्स के बारे में सुना है, मैं वो स्वीट्स लेके आया था तुम्हारे लिए सोवेनियर में, लेकिन वो मेरे दोस्तों के बैग में रह गई तो शायद मुझे उनसे पूछ के लानी पड़ेगी, मैं भूल गया था, मैं अभी लेके आता हूँ, ये बोल के वो भागने लगता है। तो हिनाटा उससे पूछे तुमने सच सच बता दी हिमावारी को? तो बोरूटो बोलता है नहीं नहीं मैं उसको देख के सच नहीं बता पाया। तो हिनाटा बोलते हैं तुम्हें सच बता देना चाहिए था हिमावारी को वरना उसको दुख होगा, और तुमको तो मैं तुम्हारे डैड को बोलूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए।
तो बोल्टो नाराज हो जाता है। बोल्टो बोलता है नहीं नहीं मुझे डैड की जरूरत नहीं, मैं खुद ही कर लूँगा और मुझे पता है मैं सोवेनियर कहीं ना कहीं से तो ढूंढ ही लूँगा, इतना बड़ा हिडन लीफ विलेज है कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। ये बोल के बोल्टो वहाँ से भाग जाता है और छतों पर से कूदते जाने लगता है। बोलता है कि अब समय आ चुका है कि मैं एक बिग ब्रदर की ड्यूटी निभाऊँ अच्छे से। तो नीचे शारदा खड़ी होती है, शारदा को बोल्टो दिख जाता है। शारदा बोलती है इस डीड ने अब क्या काम कर दिया, इतनी जोर से क्यों भाग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बोल्टो जो होता है एक एक करके सबके बाहर जाता है, शिकाड़ी से पूछता है तो शिकाड़ी बोलता है नहीं मैं तो कब की खा चुका अपनी। वो डेंकी से पूछता है तो डेंकी बोलता है वो वाटर सेनेमेंट सूट तो मैं खा गया लेकिन मेरे पास डंपलिंग पड़ी है अगर तुझे लेनी है तो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बोल्टो सबके पास जाता है, मेटल ली के पास, चोजो के पास, लेकिन किसी के पास भी नहीं मिलता। तो बोल्टो आखिरकार थक के लेट जाता है टेबल पर, तो भी मिस किया था। मिस की बोलता है बोल्टो तुम यहाँ पे क्यों लेटे हो, कुछ हुआ है क्या गड़बड़। तो बोल्टो मिस की से पूछता है मिस की तुम्हारे पास वाटर सेनेमेंट स्वीट्स हैं क्या। तो मिस की बोलता नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए क्यों। तो बोल्टो बोलता है मैंने अपनी बहन को प्रॉमिस किया था लेकिन मैं भूल गया उसके लगाना। तो शारदा तो भी वहाँ पे शारदा पहुँच जाती है, पता बोलती है मुझे पता ही था तुम कुछ ना किसी गड़बड़ में फंसा है। तो शारदा बताती है कि मुझे मेरे पास तो वाटर सेनेमेंट स्वीट नहीं है लेकिन मुझे एक दुकान पता है जो उसको सेल करती है। तो बोल्टो सुनते ही भाग जाता है। तो शारदा बोलती है अरे मुझे नहीं पता कि वो तुम्हें बेचेंगे नहीं बेचेंगे क्योंकि वो थोड़ा एंटीक आइटम रखती है। तो मीस की और बोल्टो वहाँ पहुँचते हैं तो मीस की देखता है कि इसके पास सारे सामान है उस दुकान पे दूसरे विलेजेस के। तो मीस की एक मशरूम के हाथ लगा देता है तो उसको इन्फेक्शन फैल जाता है, उसकी उंगली सूदने लग जाती है। तो मीस की बोलती है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे इसको टच नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बोल्टो को वो वाटर सिनेमन स्वीट्स वहाँ पे दिख जाती है और बोल्टो उसको हाथ लगाने लगता है। तो वहाँ पे जो एक बूढ़ी सी दादी होती है शॉपकीपर, वो बोल्टो बोलते हैं तुझे किसने बोला कि तू मर्चेंडाइज को हाथ लगा सकता है। तो बोल्टो बोलते हैं मुझे वाटर सिनेमन स्वीट खरीदनी है, मैं इसको ऐसे ही हाथ नहीं लगाने है, मैं चोरी करने नहीं आऊँ। तो बुढ़िया जो होती है वो मना कर देती है, कहती है अच्छा क्यों खरीदने तुझे, क्या इमरजेंसी ऐसी जो तू ये वाटर सिनेमन स्वीट्स खरीदना चाहता। तो बोल्टो उसको बताता नहीं है अपनी बहन के आ रहे हैं और बोलता है तुझे क्या मतलब है, मैं यहाँ पे खरीदना हूँ, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ तो तू चुपचाप खरीद ले। तो वो जो बुढ़िया होती है वो उनको मारने लग जाती है, चुपचाप निकलो मेरी दुकान से, मुझे ऐसे कस्टमर्स को कुछ भी नहीं बेचना। तो मीस की उस बुढ़िया का हाथ पकड़ लेता है, उसको हवा में लटका देता है, बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे दोस्त को परेशान करोगी। और बोल्टो को बोलता है बोल्टो बताओ इस बुढ़िया के साथ क्या करना है। तो बुढ़िया चिल्लाने लग जाती है, बोलती है मेरे दुकान से निकलो, तुम लोग ऐसा मत करो। तो उस बुढ़िया के शर्ट में से हम लोग देते हैं शिनोबी माउंट का पत्ते गिर जाते हैं। तो बोल्टो बोलते हैं तुम भी शिनोबी माउंट खेलती हो। तो बुढ़िया खेलती है, बुढ़िया बोलती है अच्छा तुम भी खेलते हो, अगर तुमने मुझे इसमें हरा दिया तो तुम वाटर सेनेमेंट स्वीट्स खरीद सकते हो लेकिन अगर नहीं हराया तो तुम्हें चुपचाप जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं मीस की बोल्टो को बोलता है बोल्टो तुम आसानी से जीत सकते हो, इसके पीछे जो कंटेनर रखा है उसके अंदर उसके सारे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो और मीस की उसको बोलता है अगर तुम चाहो तो आसानी से जीत सकते हो, ये गेम तुम्हारा ही है, तुम आसानी से जीत के सारे वाटर सेनेमेंट स्वीट्स ले जा सकते हो। लेकिन बोल्टो जो होता है वो था हमारा ऑनेस्ट आदमी, तो वो अपने पत्ते फेंक देता है और बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम ऐसे जीतोगे मेरे से, तुम्हारे सारे पत्ते देख पा रहा हूँ मैं, तुम तो ऐसे कभी भी नहीं जीत पाओगे मेरे से। तो बुढ़िया उन दोनों को दुकान से बाहर निकाल देती है। तो बोल्टो बोलते हैं सब कुछ तुम्हारी गलती, तुमने ये गेम सजेस्ट किया और तुम्हें खुद ही आ रही हो। तो बुढ़िया जो होती है बोल्टो को मिठाई देती है और बोलती है तूने बोला था ना तुझे इमरजेंसी है तो चुपचाप चला जाए यहाँ से, मुझे वापस लेने पर मजबूर मत कर। तो यहाँ बोल्टो थोड़ा दुखी होता है, तो मीस की बोलता तू तो यही ढूंढ रहा था जब से, अब तू दुखी क्यों है। तो भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टायोरी आता है बोल्टो के पास एक लेटर लेकर, बोलता है ये लेटर तेरे नाम पे लिखा हुआ है। तो बोल्टो देखते हैं कि ये लेटर कागुरा का है, तो उसके अंदर कागुरा ने लिखा होता है कि बोल्टो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सी ऑफ करने नहीं आ पाया लेकिन मैं तुम्हें फेस नहीं कर सकता था जो जो हुआ था उसके बाद, तो मैं तुमसे सबसे पहले माफ़ी मांग दूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी तरह ऑनेस्ट बनूँ और अपनी पास्ट को और फ्यूचर को एक्सेप्ट करूँगी जो जो मैं हूँ। फिर उसके बाद हम लोग थे मीस की बोलता है कि कागुरा ने ये भी लिखा है कि वो हमारे साथ शिनोबी बाउट खेलना चाहता है दोबारा। तो यहाँ पे हम लोग हैं बोरूटो अपने घर पर चला जाता है और हिमावरी को दे देता है वो गिफ्ट और उसको बता देता है सच सच कि मैं ला नहीं पाया था तुम्हारे लिए लेकिन ये मैं ढूंढ के लाया हुआ अब दुकान पे। तो मीस की सब कुछ देख रहा होता है, मीस की बोलता है बोरूटो तुम सच में मिस्टीरियस हो, मैं कभी भी तुम्हें समझ नहीं पाऊंगा कि तुम कैसे हो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय।